बहुत ही अच्छी स्पाइसी सी एक डिश है, जो डिश तो नहीं है लेकिन वो हमारी डिश का पार्ट है। यानी अगर जब वो चीज़ें होती हैं तो जब भूख भी नहीं होती तो बंदा जो है सही से खाने लगता है। और दाल चावल खिचड़ी इस सब का बहुत मेन पार्ट है ये। ठीक है, लोग पराठे से भी खाते हैं तो, लेकिन ये बहुत अच्छी और यूनिक रेसिपी दे रही हूँ मैं। यूनिक इसलिए है, यूनिक तो नहीं है लेकिन ये कहीं की स्पेशलिटी है, यानी शिकारपुर की स्पेशलिटी है। तो ये शिकारपुरी अचार मैं आपको दे रही हूँ, जो कि आपको पता है कि कितना स्पाइसी होता है, कितना कलरफुल होता है और इसमें कितने स्पाइसेस जाते हैं ये आप भी जानते हो। ठीक है, ये गार्लिक, मैं इसको लहसुन का शिकारपुरी अचार आपको दे रही हूँ, लेकिन इसके अंदर जो है मैंने ग्रीन चिली को भी इसलिए ऐड कर लिया है कि कुछ हमारे घर में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है ग्रीन चिली जो है वो अचार के अंदर, यानी हरी मिर्ची अचार के अंदर। तो मैंने गार्लिक जो है वो 2 कप से ज़्यादा लिया है और ये हरी मिर्ची जो है वो थोड़ी ली है, यानी 1 बोल ली है। ठीक है, और ये जो है 2 बोल लिया है। ठीक है जी, गार्लिक, लेकिन आपको छोटे वाले गार्लिक लेना है, बड़े वाले गार्लिक में टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होते हैं और वो ग्रीन भी हो जाते हैं। ग्रीन होने की उसकी वजह भी यही है क्योंकि वो बड़े वाले होते हैं और वो अच्छे नहीं होते हैं। इसको आप पीसेंगे ना तो ये ग्रीन नहीं होंगे। चलिए जी, अपनी इंग्रेडिएंट की तरफ आ जाते हैं, जो कि अचार के इंग्रेडिएंट हैं। जो मैं बता रही हूँ गोल वाली साबित वाली जो मिर्चें हैं वो कश्मीरी मिर्च, ठीक है, जो कलर आपको बहुत ज़्यादा इन्हेंस्ड करती हैं, जिसमें जो स्पाई जिसमें चिलीज नहीं होता। सॉल्ट जाएगा हमारे पास, ठीक है, सॉल्ट जाएगा, हल्दी जाएगी और ये राई है, राई को मैंने पीस लिया था। राई ज़रूर डलती है, वो अचार का पार्ट है। कलौंजी है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास अचार का मसाला है जो होम मेड है, जिसमें साबुत धनिया सौंफ, साबुत धनिया सौंफ है, ठीक है जी, और इसमें जो है वो साबुत धनिया सौंफ चाट मसाला ये मैंने ऐड किया हुआ है, थोड़ा सा ज़ीरा है, साबुत धनिया चाट मसाला और सौंफ है, ठीक है, और ये गोल वाली साबित मिर्चें जो 4-5 मैंने ले ली थी। देखिए, आई रिपीट, गोल वाली साबित मिर्चें, इसमें साबुत धनिया है, सौंफ है, ज़ीरा है, चाट मसाला है, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ले ली थी। अच्छा, मैंने सब मेजरमेंट करके रखा हुआ है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं मेजरमेंट नहीं, मुझे मेजरमेंट करनी है। हाँ, सिर्फ मुझे सॉल्ट लेना है तो सॉल्ट मैं 2 टेस्ट ले रही हूँ। मैंने ले लिया 1 टी स्पून है तो 1 टेबल स्पून ले लिया, ऑलमोस्ट कम होगा तो मैं दोबारा ले लूँगी। हल्दी ले लिया मैंने, हल्दी अचार में ज़ाहिर है ऑफकोर्स थोड़ा सा ज़्यादा जाती है, राइट। अच्छा, ये राई है, राई पूरी जाएगी 1 टेबल स्पून, ठीक है, और अचार को जो अगर आपने रखना है लॉन्ग टाइम के लिए तो आप इसमें जो है वाइट विनेगर ज़रूर ऐड कीजिएगा, ठीक है जी। ये हमारा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, ये मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून, ठीक है। साबित मिर्चें हैं 7 या 8 होंगी ऑलमोस्ट, ठीक है। कलौंजी जा रही है इसमें 1 टेबल स्पून, ठीक है। अच्छा, अब ये जितना मैंने मसाला बताया था आपको, साबुत धनिया सौंफ ज़ीरा गोल वाली लाल मिर्च चाट मसाला, ये पूरा ऐड करूँगी क्योंकि ये पूरी एक कंप्लीट मेजरमेंट थी, राइट। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अभी मैं और इसका आपको बताती हूँ कि और क्या कर रही हूँ मैं। अच्छा, ये मैंने इमली का पल्प बना लिया, इमली का पल्प बना लिया है, ये भी अचार का पार्ट है, ये भी मैं डाल रही हूँ। देखेंगे, पूरा डाल दिया मैंने, ठीक है, ये इस तरह से, ये अब कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है, ठीक है। अब ये कुछ भी नहीं है, ये फौरन ही कुक हो जाएगा, इसमें बिल्कुल देर नहीं लगेगी। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह मैं इसको कुक कर रही हूँ, आपके सामने करूँगी, ये कुक होगा, फिर ये रूम टेम्परेचर पे जब आएगा फिर आप इसको बॉटल में रखें, लेकिन बॉटल में साथ में आपने एक स्पून रखना है जो अचार का ही हो। घर में आप जो स्पून यूज़ करते हैं वो बार बार नहीं डालें, एक ही आपका अचार का स्पून हो, आपके हाथ साफ़ हों, कोई चीज़ खाने की अचार के अंदर ना गिरे, उससे ये होता है कि वो फंगस आ जाती है और ख़राब होने लगता है। लेकिन मैंने आपको वाइट विनेगर, अच्छा अभी मैं आपको ये भी बता दूं, हाँ ठीक, सॉरी, मैं इसको इसमें जो है वाइट विनेगर डाल रही हूँ ऑलमोस्ट 4 टेबल स्पून, ये आपको देर तक सेट रखता है, सेटल रहता है इसमें अचार भी, और कलर भी इसका जो है बहुत अच्छा रहता है, फाइन रहता है और फेड नहीं होता, जो आपको कलर चाहिए वही कलर होगा। अभी इसमें और भी चीज़ें जाएंगी, क्या होगा मज़ीद मैं आपको बताऊँ। ऑयल डाल लिया मैंने 1.5 कप, ठीक है, ऑयल है, आप सरसों का ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें मैंने ये देखे ये मेथी दाना डाला है, मेथी दाने को ब्लैक नहीं करना है, ब्लैक करने से क्या होता है कि अचार का कलर भी ब्लैक होने लगता है। बस इसकी जब खुशबू आने लगेगी बस मैं ये अचार इसमें डाल दूँगी, ठीक है।
बस ये डालूंगी, और ये हल्का सा जो है वो लाइट सा इसमें कुक होगा, और इसका मैं फ्लेम ऑफ करूंगी, उसके बाद बॉटल में हम इसको डाल के रख देंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये देखिए इस तरह से ये अब इसमें कुक होगा। जितना ये ऑयल है ये सारा देखिए, अब ये थोड़ा ये कुक होगा, अब ये कुक हो जाएगा, फिर मैं आपको इसकी कंडीशन बताती हूँ। ये इसके अंदर ऑयल के अंदर आपने इसको कुक करना है, और कुक करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी क्या कंडीशन है। ये देखिए हमारा शिकारपुरी लहसुन का अचार जो है बिल्कुल रेडी है। ये देखें आप कितना ज़बरदस्त है ये। ठीक है, इसको आप दाल चावल अरहर की दाल के साथ आप खाएं, बहुत ज़बरदस्त लगेगा। आप खिचड़ी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, और इसको अभी थोड़ा ये हॉट है तो मैं अभी इसको नहीं रख रही हूँ, लेकिन आप इसको जो है वो बॉटल में रखिएगा। देखें ये मैं मेरी बॉटल है जिसके अंदर मैं रेडी अचार ये हो गया, लेकिन ये जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा आफ्टर डेट मैं इसके अंदर रखूंगी। और ये स्पून इसके लिए, ये इसी का स्पून होता है, दूसरा हम कोई स्पून जितना हमने निकालना होता है उतना हम निकालते हैं किसी बोल में, और जो है यही स्पून यूज़ करते हैं। और ये जो स्टील के स्पून होते हैं उसको बार बार मैं अचार में नहीं डालती हूँ। ठीक है जी, इस रेसिपी को, सारी रेसिपी कोई मैंने हिडन नहीं थी, सारी रेसिपी आपके सामने जो जो चीज़ें इसमें ऐड की थी उसी तरह से बनाइएगा। शिकारपुरी अचार के एंजॉय कीजिए, घर में सब कुछ बन जाता है, बस थोड़ा सा करनी पड़ती है मेहनत, और शौक भी होना होता है तो बंदे को सब चीज़ें जो है आसान लगती हैं। तो ये ज़रूर बनाइएगा, इसमें गार्लिक का ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है जी, इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, और जो है वो इसको अचार को बनाइए, और मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फिर इंशाल्लाह अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो, तब के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।